बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में बाजार के नजदीक ही मोहल्ला घास मंडी पुराना गंज में रखे बिजली के ट्रांसफार्मर में ओवरलोड के कारण शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग, जिस कारण नजदीक ही बांस का गोदाम भी आया चपेट में। देखते ही देखते आग का हो गया विकराल रूप। रात 11 बजे लगी आग पर घंटों बाद पाया गया काबू। भीषण अग्निकांड से मोहल्ले में मच गई अफरा तफरी। तुरंत ही पुलिस को किया गया सूचित, साथ ही अग्निशमन को भी लगाया गया फोन। सूचना पर तुरंत पहुंची पुलिस। इस बीच मोहल्लेवासियों और निकटवर्ती लोगों ने पानी डालना कर दिया था शुरू। कुछ देर में दमकल विभाग के वाहन भी आ पहुंचे, तुरंत ही शुरू कर दिया बचाव कार्य। पर तब तक बांस का गोदाम जलकर खाक हो चुका था और साथ ही एक व्यापारी की नई कार भी पूरी तरह आ गई थी चपेट में। बाइक से बना जुगाड़, वाहन भी हो चुका था पूरी तरह स्वाहा। रात के बाद सुबह पुनः पहुंची ज्ञान न्यूज की टीम ने अग्निकांड स्थल का जायजा लिया तो पाया कि बांस के गोदाम के साथ ही नई कार और बाइक का जुगाड़ वाहन भी पूरी तरह से अग्निकांड की भेंट चढ़ गए थे। ज्ञान न्यूज सिकंदराबाद से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। जिले के सिकंदराबाद के यहाँ पर एक जो एरिया पड़ता है उसका नाम अनाज मंडी, यहाँ पर हरेकार मंडी कहा जाता है, लेकिन इसे साथ में जो किंडा है यहाँ पर पुराना गंज भी कहा जाता है, जो कि बाजार के बिल्कुल करीब पड़ता है, मंदिर के सामने का स्थल है। यहाँ पर कुछ गाड़ियां भी खड़ी होती हैं और कुछ व्यापारी हैं जो बांस बल्ले के व्यापारी हैं, उनका गोदाम भी यहाँ पर बना हुआ है। और रात करीब 11 बजे के बाद यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ था, उस पर एक भीषण आग लग गई, काफी नुकसान हुआ है। प्रत्यक्षदर्शी वहां सामने के व्यापारी हैं, हमारे पास उनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं कि किस तरह ये घटना हुई, किस समय ये घटना हुई और क्या क्या उसमें नुकसान हुआ होगा। और साथ में बचाव दल में टीम आई या नहीं, उसके बारे में भी इनसे जानकारी करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि ये कितने काम की ग्यारह बजे का स्थिति बताएगी, रात 11 बजे के लिए मैं इसमें पहुंचा है और सौ सब्जी जो सारा सामान रखा हुआ था आसपास में उसको खुदाने के लिए सुधार चाहिए, धीरे 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 आपको रोक लिया है और उसके विशाल उठा ले दिया। उसके बाद फिर फोन भी किया गया, दमकल विभाग से वो भी आई थी, पुलिस का बड़ा सहयोग रहा, पुलिस की मांगी है। मैं जानना चाहता हूँ पुलिस कितने देर बाद यहाँ पर आ गई थी, फिर पुलिस फोन आ गई थी, फोन करते ही पुलिस फोन की गाड़ी, पुलिस फोन आ गई थी और दमकल विभाग की गाड़ियाँ जो है किस समय यहाँ पर आई वो भी 20 मिनट के अंदर वो भी गाड़ी आ गई थी और बंद में भाग लगाई, पाइप वाइप लगाई, खराब खाली सड़क पर आग लगी, आपको बहुत बहुत विश्वास थी। तो यहाँ पर ये मैं सोचता हूँ कि कितना गाड़ी कितनी गाड़ी है जो उसका नुकसान हुआ है, ये गाड़ी हमारे सामने पहुँच गई है, हमने भी साथ दो गाड़ी आती थी, जैनी गाड़ी नहीं गाड़ी थी। और ये साथ में गोदाम जो बना हुआ है वो कहता है ये पत्थर है, ये पत्थर फायदा कर रहे गोदाम, तो किस समय तक इस आग पर काबू पा लिया गया? ये लगभग 3 घंटे रही गया, 2 घंटे तक रात का काबू पाया गया, संकल हो गया 3 घंटे तक पूरी आग बुझाई है, पूरा भंडा उसमें सबका सहजना बन गया, लोग बात भरे भरे भंडरा पूरे जगह चलाया, पानी दिया है, सबने मतलब पुलिस लोगों को चलिए जब जाकर उसमें आपको काबू पाया। तो क्या आकलन करते हैं इसमें हमको नुकसान का है? वो नुकसान तो गाड़ी का आपके सामने है, जो गाड़ी की गाड़ी वाले पूरी खत्म नहीं है और वो मालिक का बहुत मामला करा था उसके अंदर गोदाम के अंदर, सब जल्द रात में अपना नुकसान तो सही होगी क्योंकि कितने गाड़ी तो कोई बताएंगे, लेकिन उनका गोदाम कितने का नुकसान होता है, नहीं नुकसान काफी है। धन्यवाद। जैसा कि देखने में आया है यहाँ पर काफी मात्रा में कई लाख रुपए का यहाँ पर नुकसान है, एक नई गाड़ी है वो भी चल रही है, साथ में एक जुगाड़ वाहन था जो कि बांस पल्लिया धोने के काम आता था, उसके अलावा जो बांस का गोदाम है उसमें भी लाखों का नुकसान है। जो मालिक लागत जो उसकी होगी तो उनके मालिक ही बता पाएंगे। कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ी आपदा, इतना नुकसान होने के बावजूद चल गई नहीं तो नुकसान की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती थी। कैमरा पर्सन तंगर के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, जैम न्यूज सिकंदराबाद।